नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज़ में। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री को सोमवार को लगा एक बहुत बड़ा झटका। इस मशहूर एक्ट्रेस ने दुनिया को कहा अलविदा। जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर में पूरी डिटेल में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री को सोमवार की सुबह बड़ा झटका लगा। खबर आई कि पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पे जिंदगी की जंग लड़ रही एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का निधन हो गया है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और मैं गुलाबों का किरदार निभाने वाली दिव्या कोरोना वायरस का शिकार हो गई थी, जिसके बाद उन्हें गोरेगांव के SRV अस्पताल में एडमिट कराया गया था। खबर यह है कि उन्हें निमोनिया हुआ था। दिव्या की हालत गंभीर बताई जा रही थी। उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, जिस वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वेंटिलेटर पर कई दिन जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही दिव्या ने हमेशा के लिए दुनिया को आज छोड़ दिया और दुनिया को अलविदा किया। उनकी उम्र सिर्फ अभी 34 साल थी। दिव्या की दोस्त और एक्ट्रेस देवलीना भट्ट चार्य ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज लिखकर दुख जताया। तो दोस्तों, आज सुबह की खबर ने टीवी इंडस्ट्री को बिल्कुल हिला के रख दिया है। आप इस खबर पे क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।